अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है ये। लगता है तुम्हें मोली बहुत पसंद है। आज मैं, तुम्हारा दोस्त विहार और तुम मोली। आज हमारे पापा का जन्मदिन है और आज हम अपना ही सपना पूरा करके रहेंगे। माँ, ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? बड़े बाबूजी तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। हम अपने पापा की कसम खाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हम अपने पापा की बेटी बन कर ही रहेंगे। उनकी बेटी मौली। इसलिए अब जैसे जैसे मिट्टी का कप पकेगा, हम बन जाएंगे अपने पापा की पक्की वाली बेटी। साल पहले हमने जो तुमसे वादा किया था, हम उसे आज भी निभा रहे हैं। सुधा, तुम्हारी कोख में हमारे छुपा बच्चा। आपको गंगा मैया की सौगंध। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हमारे इस प्यार की आखिरी निशानी को कभी खुद से अलग नहीं करेंगे। वचन देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों को खुद से कभी अलग नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय हमने भी अपने आप से एक वादा किया था कि जिस लड़की ने तुम्हें हमसे छीन लिया, हम उसकी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। ये वादा हम कभी नहीं तोड़ेंगे सुधा। दूध नहा पोत फलो, बहुत सुंदर लग रही है बहू। हर एक दिन से ही घर का श्रृंगार होता है। आज महेंद्र का जन्मदिन है, देखना कहीं कोई कमी ना रह जाए। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ। जी छोटी माँ। बिहार, मैंने कहीं तुम्हारी पढ़ाई में बांधा तो नहीं डाली? नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए, मेरे लिए कोई काम था? दरअसल एक ऐसा काम है जो तुम ही कर सकते हो। ऐसा क्या काम था छोटी माँ? इनमें से कौन सा मालकिन? हाँ, ये दोनों अच्छे हैं, इन्हें स्त्री करवा दो। जी मालकिन। अब क्या बताऊं बिहान, एक तरफ माँ की ममता है और दूसरी तरफ पत्नी की चिंता। मैं ये चाहती हूँ कि मौली को उसके पापा का प्यार मिले, पर मैं ये नहीं चाहती कि आज के खास दिन पर ठाकुर साहब किसी भी वजह से परेशान हो। हम सब जब तक घाट नहीं चले जाते, क्या तुम किसी तरह मौली को हवेली से दूर रख सकते हो? तुम दोस्त हो ना, और वैसे भी वो तुम्हारी ही बात सुनती है। ना मैं क्या कह रही हूँ? जी छोटी माँ। अपनी छोटी माँ के लिए इतना तो कर सकते हो ना? जी छोटी माँ। पढ़ लिख कर काफी समझदार हो गए हो।
प्यारा है ना, हमने अपने हाथों से बनाया पापा के लिए। पापा की परी, इस हालत में लाओगी पापा के सामने? यार हम ना बस एकदम सुंदर तरीके से अपना ये तोहफा पापा तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अरे वो जो सुंदर सा कागज होता है जिसे तोहफों पे लपेटा जाता है, गिफ्ट रैपर। हाँ वही, तुम इसे वो कर दो। क्यों, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? अब तुम्हें जो मानना है तुम मान लो। हम तो बस भविष्य के IAS अधिकारी से अपना काम करवाने आए थे। अब तुम इतनी तारीफ कर रही हो, तुम्हारा काम तो करना पड़ेगा। हम सब जब तक घाट नहीं चले जाते, क्या तुम किसी तरह मौली को हवेली से दूर रख सकते हो? वो गिफ्ट रैपर तो है नहीं मेरे पास। तब? डोंट वरी, वो पंचायत ऑफिस से मिल जाएगा। चलो मेरे साथ। अच्छा, तो मेरे पास इतना फ्री टाइम है जो तुमको पंचायत ऑफिस घुमाने लाऊंगा मैं। हाँ तो बताओ कहाँ है रंगीन कागज? मतलब कुएं के पास भी मैं लाऊं और पानी भी मैं पिलाऊं, तुमको जरूरत है तुम खोजो, मैं यहाँ से नहीं लेने वाला। हाँ ठीक है, ढूंढ लेंगे हम खुद ही, और तुम खड़े रहो और खड़े खड़े हो जाओ खंबा। मौली यहाँ पे सांप कैसे आ सकता है? अरे है। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। हाँ, तुम तो सांप ही रहे हो। जाओगे बीक बजाओगे सांप को पकड़ लोगे। अच्छा रुको, अभी तुम्हारा वहम दूर करता हूँ। कहाँ है सांप? आके देखो। नहीं 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 नहीं। मौली तुम इतना डर रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा था बिहान। जब हमें यहाँ लाते वक्त तुम हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे ना बिहान, तभी हम समझ गए थे तुम्हें बचपन से जानते हैं। जब तुम झूठ बोलते हो ना तो नजरें नहीं मिला पाते और बेकार का गुस्सा करते हो। मौली, 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 नहीं ऐसा मत करना। मौली, मौली, नहीं। मौलिक, मौलिक कौन? मौलिक, 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 मुझे यहाँ क्यों बंद कर रही हो? इसीलिए क्योंकि हमने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया था। तुम हमें यहाँ इसलिए लाए थे ना ताकि हम अपने पापा से ना मिल सके, उन्हें उनके जन्मदिन का तोहफा ना दे सके, यही बात थी ना? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। बिहान, हमारे पापा हमसे पिछले 18 साल से नाराज है और हमें उन्हें मनाना है, और आज हम उन्हें मनाएंगे। जाओ खेलो सांप सीढ़ी। मौली, मौली, मौली रुको। पापा ना सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, और अब वो हर सुबह हमारी बनाई कप में चाय पियेंगे। इसका मतलब कि हर सुबह पापा चाय पीते हुए सबसे पहले हमें याद करेंगे। रुके, आज आपको हवेली के अंदर जाने से मना किया है। क्या? चाचा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब हमारे पापा के जन्मदिन में आप हमें ही हमारे ही घर में जाने से रोकेंगे? लेकिन रोकेंगे कैसे, आप दोनों हमें हाथ तो लगा नहीं सकते। हम पनौती जो है, हटिए, आज तक बिहार हमें नहीं रोक पाया तो और किस मजा हमें रोकने की।
रेहान की माँ। जा रे जमाना, इतना दागने के बाद भी ना अकल नहीं खुली तुम्हारी, सबके मना करने के बाद भी धड़धड़ाती हुई घुसी चली जा रही हो। अरे चाची, आग में पड़कर ना खरा सोना और भी निकल जाता है हमारी तरह। सब दिल तो आपका भी बहुत खरा, क्योंकि जहाँ सब लोग हमें पनौती मानकर हमारी परछाई से भी दूर रहते हैं, वही एक आप है, बात भी बात हमारा हाथ पकड़ लेती है। शुक्रिया चाची हमारा हाथ छोड़ने के लिए, तो हम जाए। अरे कहाँ चली, अब तो हम तुम्हारी परछाई भी ना यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। चलो तुमको तो हम काट डालेंगे, अंदर घुसेंगी। कितनी बार जाओ तुम्हें भैया। बाय चाची। अरे पकड़ो इसको, अरे अरे पकड़ो। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की गंगा जमुना यूं ही बहती रहे। सदा सुहागन रहो। दिल में कोई मलाल मत रखना कि महेंद्र अपनी पहली पत्नी को भूला नहीं है। कैसी बात कर रही है माँ जी, उल्टे इससे तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि अगर जिंदगी में मुझे कुछ बनना है तो सुधा जी जैसा बनना है, जिससे इस घर में आपकी नजर में, ठाकुर साहब के मन में हमेशा मेरा स्थान बना रहे। सुधा, उस लड़की ने भले ही तुम्हें हमसे छीन लिया हो, लेकिन आज भी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हर पल हमारे साथ रहता है। कहाँ चली? अरे कहाँ चली? आज भी जिंदा है, तुम्हारी यादें हमारे सीने में। देखो ना, 18 साल पहले जो तुमने हमें तोहफा दिया था उसको आज भी हमने संभाल कर रखा। पता नहीं माँ उसने अब तक कौन सी मुसीबत को बुला लिया होगा। तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई, सब जगह हमारी इस तरह से नाक कटा के। पापा, पापा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता।
मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना होगा। जहाँ जाएगी वहाँ नाश नाश आएगी। अब कहा हमारी अर्थी निकलने पर यहाँ से जाओगी? चलो पापा, इसमें हमारी गलती नहीं है। हम तो बस आपसे बात करने आए थे, आपको जन्मदिन का तोहफा देने आए थे पापा। सही है, पर पापा से बात करने का ये सही समय नहीं है बेटा। देखो घर में कितने मेहमान आए हुए हैं, ये कब कर दिया आपने? छोटी माँ, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा था। मैं तो बस हमारे पापा दिख रहे थे। शांत हो जाओ मौली, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? दादा जैसे भले आदमी की बीवी नहीं होती ना, तो कब का बाहर का रास्ता दिखा देते तुम्हें। अब खड़े खड़े ताक क्या रही हो? लेके जाओ इसे यहाँ से, चले यहां से। अरे जहां जाती हो ना वहां सब बुरा होता है। हमें तो इस बात की चिंता है कि तुम्हारे संगत में हमारे बेटा बिहान के ना अरमानों की बलि ना चढ़ जाए। आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे इस लड़की को लेकर, लेकिन आप लोग अब समझ गए होंगे कि हम आज तक इसको क्यों नहीं अपना पाए। इसने हमें हमारी सुधा से दूर किया है। हमारा बस चले तो हम इसको अपने घर में जगह भी ना दें, लेकिन क्या करें, मजबूर है। सुधा को वचन दिया था कि हम उसकी अंतिम निशानी को कभी अपने आप से दूर नहीं रखेंगे, इसीलिए इस लड़की की गलतियों को हम माफ कर देते हैं। ठाकुर साहब का जन्मदिन नहीं हो जाता ना, यहीं पड़ी रहो और अपने मन का राग अलापती रहना। चाची। माँ आप चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं कहोगे तो। यार उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, ये लड़की नहीं बलाए है बलाए। सॉरी माँ, मैं पढ़ लिख कर ऐसी थकेन उसी बातें नहीं मान सकता। पर अपनी माँ की बात तो सुनोगे ना? यार तुम भी हमें समझते हो और तुम जानते हो कि हमारे यहाँ से निकलना कितना जरूरी है। अरे अपने दुर्भाग्य का बोझ हमारे बच्चे के कंधे पर कह डाल रही हो? सुनो बेटा, ये कितना भी कहे तुम दरवाजा मत खोलना। तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें हमारी कसम। नहीं बना पाएंगे तो फिर कभी नहीं बना पाएंगे बिहार। कुछ तो बोलो ना बिहार। बिहार
साथ दिए, आज तो हमारा साथ मत छोड़ो। हमें तुम्हारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है बिहार। प्लीज बिहार, हमें हमारे पापा के जन्मदिन पर शामिल होना है, प्लीज। मौली, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन आज नहीं मान सकता। इसलिए नहीं कि मुझे माँ ने अपनी कसम दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। I'm sorry, Molly. I'm sorry, Molly.